दोस्तों, अगर आप ITI सरकारी जॉब पाने के लिए करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि आपका सही ट्रेड का चुनाव करना। इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन ITI के ऐसे 5 कोर्स बताऊंगा जिनको करने के बाद में लगभग 100% लोग रोजगार में लग जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो अथवा प्राइवेट की जॉब हो। गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी इतनी वैकेंसी आती है कि वहां पे लड़के भी कम पड़ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जो 5 वैकेंसी में बताऊंगा उनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है बगैर स्किप किए हुए। तो दोस्तों, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ, किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको जानकारी पहुंचाना। तो जानकारी दोस्तों, जहां तक बात करते हैं गवर्नमेंट में जॉब पाने के लिए ITI ट्रेड की, तो उनमें सबसे पहली ट्रेड आती है वो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ITI सेंटर पर जाके मालूम कीजिए क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है या नहीं। अगर प्राइवेट में करना चाहते हैं तो वहाँ तो आपको होती ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आपको विकल्प भरना है। अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात करें तो इसमें हाई स्कूल गणित व विज्ञान विषय के पास में होना आपका जरूरी है। SC/VT की ट्रेड होती है, 2 वर्ष की ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग शाखा की ट्रेड होती है। इस ट्रेड से ITI करने के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप BTech भी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रेड है। इस ट्रेड के अंदर आपको विद्युत संबंधी कलपुर्जों की देखभाल व रखरखाव की पूरी जानकारी दी जाती है। बाइंडिंग करना इसके अंदर सिखाया जाता है, इलेक्ट्रिकल जितने भी फॉल्ट आते हैं उनको सही करना आपको सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो आपको इलेक्ट्रिशियन के ITI कोर्स में आपको सिखा दिए जाएंगे। बहुत बेहतरीन ट्रेड है। अगर आपका बाय द वे इस ट्रेड में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो आपकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है, वो है वेल्डर ट्रेड। वेल्डर ट्रेड वैसे तो ये 8वीं पास करने के बाद में भी कर सकते हैं और 10वीं पास करने के बाद में भी, कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में इसका विकल्प खोल दिए हैं कि 8वीं वाले नहीं लेंगे, हम 10वीं पास वाले लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर हाईस्कूल अनुत्तीर्ण वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। इसमें प्रवेश लेने के लिए आपका 8वीं अथवा 10वीं पास होना जरूरी है। SC/VT की ट्रेड होती है, 1 साल की ट्रेड होती है, यह भी इंजीनियरिंग शाखा की ट्रेड होती है। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको धातु के विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल होते हैं, चाहे आपका स्टील हो, लोहा हो या किसी और प्रकार का स्टील हो, उन सभी पे वेल्डिंग कैसे करनी है आपको इस ट्रेड के अंतर्गत बताया जाता है। इस ट्रेड का इतना स्कोप है कि अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जॉब लगती तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको खींच के ले जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेड आप जैसा कि जानते हैं कि वेल्डर का इस समय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन रहा है, पूरे सभी जितने भी कंपनियां लोहे, महिंद्रा टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, JCB हो, बहुत सारी कंपनियां हैं वेल्डर वालों की, काफ़ी अच्छी खासी डिमांड होती है। बाय द वे, आपका इलेक्ट्रिशियन में भी एडमिशन नहीं हो पाया और वेल्डर में भी एडमिशन नहीं हो पाया, तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है वो मशीनिस्ट ट्रेड है। मशीनिस्ट ट्रेड में भी आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए गणित व विज्ञान विषय के साथ में, तभी आपका उसमें प्रवेश होगा। 2 वर्ष की ट्रेड होती है और NC/VT की ट्रेड होती है। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग शाखा की ट्रेड है। जहां तक बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या सिखाया जाएगा आपको, मशीन ट्रेड के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की मशीनें होती हैं, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, सीपर मशीन हो, स्लॉटर मशीन हो, प्लेनर मशीन हो, ग्राइंडर मशीन हो, लेथ मशीन हो, सभी मशीनों को चलाने की जानकारी आपको दी जाती है। ऑलराउंडर ट्रेड है। गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर में प्रवेश नहीं हो पाया तो आप आंख बंद करके सीधे मशीनिस्ट ट्रेड में प्रवेश ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। अब मैं बात करता हूँ चौथी ट्रेड, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेड मानी जाती है। वो ट्रेड है आपकी फिटर ट्रेड। फिटर आपको किसी भी प्राइवेट संस्थान में अथवा गवर्नमेंट संस्थान में कंपलसरी है, ये तो मिल ही जाएगी आपको। इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10वीं गणित व विज्ञान विषय के साथ में होना जरूरी है। NC/VT की ट्रेड होती है और 2 वर्ष की ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग शाखा की ट्रेड है ये। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के पुर्जों को कैसे जोड़ना है जिससे कि वो मशीन का रूप ले सके, उस मशीन को कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे असेंबल करना है, ये सभी जानकारी आपको फिटर ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है और फिटर का कार्य भी यही होता है। दोस्तों, 5वीं महत्वपूर्ण ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये भी 2 वर्ष की ट्रेड होती है, NC/VT के द्वारा निर्धारित होती है और इसकी क्वालिफिकेशन योग्यता, आपकी प्रवेश लेने की योग्यता हाई स्कूल गणित व विज्ञान विषय के साथ में होती है। दोस्तों, अगर आपने हाई स्कूल गणित व विज्ञान विषय के साथ में नहीं किया है तो आप इसमें प्रवेश नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी जॉब डिमांडिंग ट्रेड है ये। इस ट्रेड में प्रवेश लेने के बाद 70% लोगों की जॉब लग जाती है। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिक संबंधी सभी जो जितने उपकरण होते हैं उनकी मरम्मत कैसे की जाती है, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, ये सभी जानकारी दी जाती है। चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग हो, सौर प्रणाली हो, इन्वर्टर आदि, सभी प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण होते हैं वो इसके अंतर्गत कर सकते हैं।
का मेंटेनेंस करना, उनका देखभाल करना इस ट्रेड का मुख्य काम होता है। इंजीनियरिंग शाखा की यह ट्रेड है। इस ट्रेड से भी प्रवेश लेने के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या कोई भी 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, आपको लेटरल एंट्री में सीधे प्रवेश मिल जाएगा वहां पे, और 3 वर्ष के डिप्लोमा को आप 2 वर्ष में कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, आप कमेंट के माध्यम से हम तक जानकारी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी आप कमेंट के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचाते हो तो हमें जानकारी ही नहीं लग पाती है कि मैं जो आपको बता रहा हूं क्या वाकई आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। यह जानकारी है जो आपको पता है, कुछ जानकारी होती है कि आपको पता होती है कि आपको वाकई जानकारी पहले से पता थी, आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा दोस्तों।